वायलेंट सेक्स की आदत, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। लोग काफी अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास में आते रहते हैं। अभी एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको वायलेंट सेक्स ही करना पड़ता है, वायलेंट सेक्स में उसको मजा आता है, और वायलेंट सेक्स के लायक यदि सामने वाली पार्टनर है तो ही उसका इरेक्शन होगा, अदरवाइज उसका इरेक्शन भी होता नहीं और वो सेक्स करने की इच्छा भी नहीं होती। प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि अभी इसकी वजह से उसके वाइफ के साथ में सेक्स होता नहीं है, क्योंकि वाइफ के साथ में वायलेंट सेक्स वो कर ही सकता नहीं, वाइफ अलाउ करती नहीं, और फिर बाहर वो वायलेंट सेक्स करता है और वहां फिर उसको मजा आती है, वहां एंजॉय करता है, और फिर वहां बहुत पैसे भी देने पड़ते हैं, क्योंकि वायलेंट सेक्स यदि कोई लेडी करके दे रही है या करवा के ले रही है तो डेफिनेटली वो तो पैसा मांगेंगे, ज्यादा पैसा मांगेंगे, बाकी कोई औरतें होंगी उनसे जो सेक्स वर्कर है उनसे। अभी वायलेंट सेक्स मतलब कैसा है कि बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो खुद मुझे उसने ऐसा बोला कि भाई मैं तो जैसा एक आधा भूखा आदमी जो है कि 3-4 दिन से भूखा है और वो कैसा ताव मारेगा खाने के ऊपर, बस वैसा हर बार मैं ताव मारने जैसा खाना खाता हूँ, वैसा वैसा सेक्स करता हूँ, बहुत दबाना, मसाज करना, बाइट करना, मतलब जो भी वायलेंस, मतलब कभी कभी मार भी देता हूँ सामने वाली लेडी को, और उसको उसमें बहुत मज़ा आता है और वो मज़ा करने देंगे वही लड़की के साथ में वो करेंगे। तो मैंने बोला फिर ये कहाँ से, तुम कैसा करते हो फिर ये? तो बोले कि मैं देखता हूँ और अभी बड़े शहर में रहता है तो ऐसी कोई लेडी जो है कि वो करने देती है तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो उसमें फिर खलास हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि भाई हर बार जब सेक्स करना है और हर 2-3 दिन में 4 दिन में उसको बाहर जाना और पैसे ऐसे खर्च करना है तो पैसे कितने देंगे हर बार वो। और बोले कि मेरे को उसके साथ जमता ही नहीं है। वो औरत के साथ में जब जब सेक्स करने जाता है, औरत उसकी जो पत्नी है वो चिल्लाती है कि भाई आप सेक्स नहीं करते हो, उसको ये पता नहीं कि बाहर जाता है मगर सेक्स क्यों नहीं करते, भाई आप डॉक्टर को बताओ आपका। तो बोले मैं पत्नी के साथ में जब जाता हूँ सेक्स करने के लिए तो उसको बोले मुझे इरेक्शन का ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कुछ करने देती नहीं है, बोलती नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगी, सॉफ्ट जो भी है वो करो, प्यार से करो, करने देती नहीं है, तो अभी मेरा मन ही उड़ गया और मैं उसके साथ में कर ही सकता नहीं हूँ, वो करने देती नहीं। फिर बाहर स्पॉट कैसे किया, तो बता रहा था कि मैंने स्पॉट ऐसे किया कि भाई अलग अलग लेडीज के साथ में मैं ट्राई करते जाता हूँ, कोई लेडी अलाउ करती कोई लेडी अलाउ नहीं करती, फिर जो लेडीज ने अलाउड किया है तो उनके साथ में फिर बार बार जाना पड़ता है, उनको विजिट करना पड़ता है और फिर वहाँ वो ज़्यादा पैसा भी लेती है। बहुत लोगों को ये वायलेंट सेक्स की आदत रहती है और उसमें उसके से उनको मज़ा आता ही नहीं है, उसमें वो उसको मारेंगे, पीटेंगे, बाइट करेंगे, मतलब दांतों से बाइट करेंगे ताकि उसके निशान लग जाएंगे ब्रेस्ट के ऊपर, मतलब इतना जोर से करना है, बदन के ऊपर करेंगे, प्रेस करेंगे, जो भी करना है वो, और उसमें उनको उसके से उनको एक्साइटमेंट नहीं आता है, ऑर्गेजम नहीं आता है और फिर प्रॉब्लम होता रहता है। अभी इसके साथ साथ ये व्यक्ति को और एक शिकायत है, वो ये है कि भाई उसको दिन में कम से कम 3-4 बार मास्टरबेशन करना ही पड़ता है, और मास्टरबेशन भी वो वायलेंट सेक्स इमेजिन करके ही करता है, क्योंकि देखो इतने बार तो बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, उम्र है 30-32 साल की और बाहर इतने बार मतलब हर बार 8-10 हज़ार कोई लेडी लेती है और हर 2-3 दिन के बाद में यदि बाहर जाएंगे हो, बड़े सिटी में रहता है तो अवेलेबल तो हो ही जाती कोई ना कोई, मगर फिर इतना पैसा खर्चा करेगा तो ये कहाँ से, इतनी इनकम भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि ठीक है मुझे भी मास्टरबेशन करने की फिर आदत लगा दिया मैंने, और मास्टरबेशन भी बहुत ही वायलेंट तरीके से, मतलब इमेजिन करके करना है उसको, और घर में मास्टरबेशन करता हूँ तो और प्रॉब्लम, क्योंकि वाइफ बोलती है भाई क्या कर रहे हो आप, रात को 1-2 बार वाइफ उठ गई और ये मास्टरबेशन कर रहा है, क्योंकि वाइफ के साथ में उसका हो ही नहीं रहा है, वाइफ बोल रही है कि डॉक्टर के पास में चलो आपका क्या प्रॉब्लम है, ऐसे इसमें फिर वो मेरे पास में आए क्योंकि घर से बहुत प्रेशर हो रहा, डिवोर्स तक बात आ रही और फिर उसको इलाज करने के लिए आना ही पड़ा। अब मैं उसको काउंसलिंग कर रहा हूँ, काउंसलिंग चालू है, काउंसलिंग के सेशन उसको काफ़ी फायदा हो रहा है। ये जो इसको है उसको एक्चुअली मास्टरबेशन की एक आदत लग गई है, वो एक कंपल्शन जैसा हो गया है, अब उसमें उसको मज़ा भी नहीं आता होगा तभी वो मास्टरबेशन करना ही पड़ता है 3-4 बार। बोलता है कि मास्टरबेशन के बिना मेरे को रात को नींद नहीं आती है, बिना मास्टरबेशन का मतलब हस्तमैथुन या हैंड प्रैक्टिस सोता हूँ तो रात को नींद खुल जाएंगी और फिर रात को उठ के फिर हस्तमैथुन करना पड़ेगा, तो इतने मतलब 3-4 बार रोज करना है हस्तमैथुन और उसमें मजा लेनी है। तो बोले मैं ऐसा हो गया कि मुझे लगता है कि मैं खोखला हो गया अंदर से, कोई ताकत नहीं रही ऐसा लगता है, हालांकि मास्टरबेशन से ऐसा होता नहीं, कितनी भी बार मास्टरबेशन किया तो भी होता नहीं है कुछ भी, फिजिकली कुछ आप डैमेज नहीं करता है मास्टरबेशन, मेंटली हाँ जरूर होता है क्योंकि इच्छा नहीं है तभी भी। तो उसको मैंने एंटी ऑब्सेसिव दवाई दिया, ऑब्सेशन कंपल्शन जो है उसके लिए जो दवाई देते हैं SSRIs है, क्लोमिप्रेमिन है, वो दवाई उसको दिया ताकि उसके विचार कम हो जाए, उसका जो वायलेंस है बहुत इरिटेबिलिटी एंगर गुस्सा करना, उसके लिए कार्बामेज़ेपिन दिया। काउंसलिंग के लिए उसको बोला भाई पत्नी को लेके आ जाओ, बोले पत्नी को लेके आ जाएगा आप ये बता देंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं बोले बताऊंगा नहीं आप लेके तो आ जाओ पत्नी को। फिर ऑनलाइन हमने पत्नी से बात की,
ऑनलाइन पत्नी से बात करके उसका प्रॉब्लम समझ लिया और अभी काउंसलिंग करते 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 अभी चालू है, मगर अभी काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ऐसे संभव है, लोग यदि इलाज करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने मन से कुछ इलाज करते बैठना या कोई ऐसे व्यक्ति से इलाज करना जो इसमें एक्सपर्ट नहीं है उनके हाथ से इलाज करना, बदले आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास में जा सकते हैं, इलाज कर सकते हैं और अपना वैवाहिक जीवन खुशी से जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।